वो हमारा ये मानना है, जब हम मूल का विस्मरण करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, सब बातों के समस्याओं का मूल है आत्मविस्मृति। हम भूल गए हम कौन है। ये जो हमारे पूर्वजों ने जो दर्शन दिया था, जिसके आधार के ऊपर हमने देखने की एक दृष्टि बनाई थी, वन नेशन वन पीपल, जब इसको भूल कर हम एक छोटी आइडेंटिटी के साथ अपने को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो संघर्ष शुरू होता है। ये संघर्ष का मूल में यही है। संघ का यह मानना है कि जो भी संघर्ष आता है वो संघर्ष के पीछे जो है वो वास्तव में जैसे ही आप अपने आप को एक बड़ी आइडेंटिटी से छोड़कर छोटी आइडेंटिटी के साथ जोड़ते हो, वो जाति की होती है, वो भाषा की होती है, वो मत पंथ की होती है, वहीं से झगड़ा खड़ा हो जाता है, वहीं से दूसरा अलग हो जाता है। किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिटी एक छोटी बात में नहीं हो, एक बात में नहीं हो सकती। जीवन में लैंग्वेज का बड़ा महत्व है, लेकिन लैंग्वेज इज वन ऑफ द आइडेंटिटी। रिलीजन का बड़ा महत्व है, रिलीजन इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। मैं जीवन में क्या करता हूं वो भी मेरी एक आइडेंटिटी। मैं डॉक्टर हूं, मैं पत्रकार हूं, वो भी तो मेरी एक आइडेंटिटी बनता है ना जीवन के अंदर। मैं एक क्षेत्र के अंदर जन्म लेता हूं, वो तमिलनाडु हो सकता है, वो पंजाब हो सकता है, वो कर्नाटक हो सकता है, वो दिल्ली हो सकता है, वो भी एक मेरी आइडेंटिटी का हिस्सा। ये सब मिलकर एक आइडेंटिटी बनती है। केवल एक आइडेंटिटी नहीं हो सकती, ओनली लैंग्वेज, ओनली रीजन, ओनली रिलीजन, ओनली प्रोफेशन, ये मेरी आइडेंटिटी नहीं हो सकती। सब मिलाकर हमारी आइडेंटिटी क्या है? हमारी आइडेंटिटी है वन नेशन वन पीपल, एक राष्ट्र एक जन, भारत माता की संतान, हम सब सगे भाई, हमारा एक खून का रिश्ता। ये हजारों साल की जो हमारी संस्कृति है, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान, ये जोड़ने का सूत्र है। ये विस्मरण होता है तो भेद खड़ा होता है, उसके बाद संघर्ष होता है।